देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी रांची के कांटाटोली बहुबाजार रोड पर है के सामने है, और यहाँ पर रांची वासियों की शुरू से एक मांग रही है कि इस क्षेत्र को जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार कुछ पहल करे। वहीं आज यहाँ झारखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा फ्लाईओवर का। ऐसा कहा जा रहा है कि रांची का यह पहला फ्लाईओवर होगा। अगर फ्लाईओवर के बारे में आपको जानकारी दी जाए तो यह योगदा सत्संग आश्रम से बहुबाजार कांटा टोली शांतिनगर तक है, और इसके साथ ही इसकी जो कुल लंबाई होगी वह 2240 मीटर है, और वहीं अगर इसकी चौड़ाई के बारे में बात किया जाए तो लगभग 16 मीटर के आसपास है। इसके कुल निर्माण में, इस फ्लाईओवर के निर्माण में, इसका जो योजना तैयार किया गया था, इस फ्लाईओवर के कुल निर्माण में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ रांची के यही विधानसभा का चुनाव है, और वहीं विधानसभा का चुनाव से पहले रांची के जितने यहाँ के जितने भी जनता है, यहाँ के जो नागरिक है, उनको सौगात के रूप में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा फ्लाई ओवर निर्माण करके दिया गया है। जब यहाँ पर इस फ्लाई ओवर का निर्माण हो चुका है और इसका जब आज उद्घाटन किया जा रहा है, तो यह यहाँ पर जितने भी आवागमन के लिए जो गाड़ियां हैं वह यहाँ तेज रफ्तार से आना जाना जब करेगी, तो यहाँ पर कई लोगों को जो लगातार जाम का जो हालात था वह हालात में काफी हद तक सुधार आएगा। आइए फ्लाईओवर को हम दिखाते हैं कि इसे बनाया गया है, और इसकी सबसे अच्छी और खासियत बात यह है कि इसके बीच में जो डिवाइडर है वहां पर पौधे लगाए गए हैं जो कि इसके सौंदर्यीकरण में चार चांद लगा रहा है। वहीं स्ट्रीट लाइट भी जगह जगह पर लगाया गया है ताकि रात्रि के समय में जो फ्लाईओवर से जो गाड़ियां आवाजाही करेगी उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यह एक राज्य सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी सौगात है रांची वासियों के लिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यहाँ पर और भी अन्य अलग अलग जगहों को लेकर जो फ्लाईओवर सड़क निर्माण के लेकर के कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहीं से किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड राज्य सरकार की ओर से एक काफी अच्छी एक पहल की गई है। राजधानी रांची में फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और उसका उद्घाटन आज किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह सौगात रांची वासियों के लिए क्या एक संदेश लाएगा, विधानसभा पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यह भी एक देखा जा रहा है। क्योंकि ठीक है, अभी विधानसभा का चुनाव ही होने वाला है कुछ महीनों के बाद, और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा था, एक दो दिन पूर्व ही इसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन कार्य निर्माण कार्य जो था वह अधूरा था। इस वजह से दिन रात करके 24 घंटे यहाँ पे हार्ड वर्किंग के जरिए काम किया गया मजदूरों के द्वारा, और आज इसे पूरी तरह से मुकम्मल किया गया। और आज वह तारीख है जब यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची से झारखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा।